मोहम्मद से कुरान निकलती है, मोहम्मद से हदीसें निकलती हैं, मोहम्मद से ही इस्लाम निकलता है। इसलिए पहले इस्लाम को मोहम्मदनिज्म या मोहम्मदवाद कहते थे। इस्लाम तो अब फैशन में आया है, अन्यथा इसे मोहम्मदनिज्म ही कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद से शुरू होता है। किसी हिंदू की, किसी बौद्ध की, किसी सिख की केवल इसलिए हत्या कर देना या उसे केवल इसलिए घृणा करना या उसकी महिला को माले गनीमत मानना केवल इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, तो ये तो किसी भी सभ्य समाज के किसी भी मानदंड पे खरा नहीं। बिल्कुल। एक महिला के लिए इस्लाम को गाली देना, मोहम्मद को क्रिटिसाइज करना और फिर पब्लिक लाइफ में रहना, वो बहुत सरल नहीं है। और वो भी हमारे जैसे देश में जहाँ पर के नेता बिल्कुल स्पाइनलेस हैं, रीढ़ विहीन हैं, जो अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। पिछले 100 वर्षों से हिंदू समाज को तो बिल्कुल भटका दिया गया, विनष्ट कर दिया गया उसे तो, और पूरे का पूरा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हिंदुओं को कन्फ्यूज रखा गया। तो मेरा मानना है कि 2029 से पहले पहले ये निर्णय हो जाएगा कि हमारी सभ्यता किस दिशा में जाने। डरा रहे निखिल जी, दर्शक जो है छोटे बच्चे होंगे लोगों के, हमारे खुद के भी 5 साल केवल और केवल। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। इस देश में जब बात होती है हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिख ईसाई की, तो दो पॉइंट्स आते हैं, वन इज मेजॉरिटी, वन इज माइनॉरिटी। पॉइंट यही है कि क्या माइनॉरिटी में, जिसका नाम मैंने पहले लिया दैट इज मुस्लिम और ईसाई, ये माइनॉरिटीज में है भी या नहीं है, और नहीं है तो माइनॉरिटीज इनको क्यों कहा जाता है, और कौन कहता है, और कौन हटाने की कहता है और कौन नहीं हटाता है। लेकिन उसके साथ में एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि वो लोग किसके सगे हैं। वीर सावरकर की बात करते हैं तो उनकी बात आती है, उनका दर्शन आता है, और लेकिन मैं बहुत ज्यादा बात आपसे इस बारे में अभी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में होने वाली है। आप देख रहे होंगे हमारे साथ में नीरज अत्रे जी पधारे हुए। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत सारी बुक्स नीरज जी ने लिखी है, द ग्रीन वर्ल्ड रिपब्लिक से लेकर के एक्स मुस्लिम्स का जो पूरा मूवमेंट हम लोगों ने देखा है, उसका एक तरीके से करता धरता या कहें कि उसके जड़ मूल में जो है, एंड ही इज द पर्सनैलिटी, आज हमारे साथ में है। और नीरज जी, पहले तो स्वागत है आपका जम्मू टॉक्स पर। फर्स्ट टाइम हम लोग आपने सामने बैठ करके प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले दर्शकों ने हमें डिजिटल कई बार देखा है। नीरज जी, एक कुछ समय पहले मैंने एक मुस्लिम लेडी से मैं डिस्कशन कर रहा था, तो कमेंट्स में कई बार आया कि ये लोग जो हैं, अगर मैं नाम लूं, सुबही खान है, रूबिका लियाकत है, या नाजिया इलाही खान है, जो मुल्ला मौलवियों को बहुत गाली देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया, लेकिन जब आपसे बात होती है तो नहीं, यू टॉक अबाउट इस्लाम इन अ डिफरेंट वे, मोहम्मद इन अ डिफरेंट वे, लेकिन जब उनसे बात होती है तो वो मुल्ला मौलवियों को तो बिल्कुल प्रेज नहीं कर रहे, उन्हें बहुत गाली दे रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब को, यहां वो उन्हें बिल्कुल की बचा के निकालते हैं कि वहां तो कुछ गंदगी है ही नहीं, किसी आसमानी किताब में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, ये तो मुल्ला मौलवियों का रचाया हुआ प्रपंच है। इसे इसको कैसे करें, कैसे टैकल करें इसे? टैकल तो जब आप कह रहे हैं टैकल करें, तो टैकल करने से आपका क्या अभिप्राय है पहले तो वो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि मुल्ला मौलवी में है या इस्लाम में है। तो अगर तो कुरान को जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम इस्लाम में है या मोहम्मद में है, पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद से कुरान निकलती है, मोहम्मद से हदीसें निकलती हैं, मोहम्मद से ही इस्लाम निकलता है। इसलिए पहले इस्लाम को मोहम्मदनिज्म या मोहम्मदवाद कहते थे। इस्लाम तो अब फैशन में आया है, अन्यथा इसे मोहम्मदनिज्म ही कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद से शुरू होता है। तो जब आप मोहम्मद की बायोग्राफी देखते हैं तो उसमें आपको सारा कुछ दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने क्या किया। उसने पहले 12-13 वर्ष लोगों को जुडाइज्म के पैटर्न पे ये प्रूव करने की कोशिश की कि मैं एक पैगंबर हूँ, लोगों ने नहीं माना। लेकिन जब उसने लोगों को लूटना शुरू किया, हत्याएं करनी शुरू की, उन पे डाके डालने शुरू किए, उनकी महिलाओं को आपस में लूट के बांटना शुरू किया, तब उसका वर्चस्व स्थापित होने लगा और तब से उसे मोहम्मद फाउंडर ऑफ इस्लाम माना जाता है। और यही कारण है कि इस्लामिक कैलेंडर, जो इस्लामिक हिजरी कैलेंडर शुरू होता है, वो उसके मक्का से मदीना पलायन के बाद शुरू होता है, हिजरत के बाद शुरू होता है, जब वो वास्तव में एक लीडर, एक रूलर बन जाता है।
तो उसने अपने जीवन में ये जो लास्ट वाले 10-11 वर्ष थे जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट थे या इस्लाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे, उसमें उसने किया क्या, नॉन मुस्लिम्स की हत्याएं, उन पे रेड्स, उनकी महिलाओं को अगर तो मुसलमान बनने के लिए मान गई तो उसे अपनी पत्नी बना लिया, नहीं तो उसे अपनी सेक्स स्लेव या कॉन्क्यूबाइन बना के रखा। तो किसी सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब कुरान क्योंकि उसी ने लिखी है तो उसमें उसे आदर्श पुरुष माना जाता है। दैट मीन्स प्रॉब्लम इस्लाम में भी है, मोहम्मद में भी है और कुरान में भी है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मुल्ला और मौलवी, क्या उन्हें सारा ब्लेम उन्हें दिया जाए या पार्शियल दिया जाए या बिल्कुल भी ना दिया जाए, ठीक है। मुल्ला मौलवी मदरसे से पढ़ के निकलता है, उसकी सारी दुनिया, उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो कुरान और हदीस में से निकलता है, तो उसे पता है कि उसकी सारी रोजी रोटी उसमें से चलने वाली है, ठीक। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे हमारे देश में एक वो सज्जन है महेंद्रपाल आर्य, बिल्कुल, जो पहले मौलवी थे, उनकी अंतरात्मा जगी तो उन्होंने उसे छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। तो ऐसे अपवाद रूप में कुछ तो हैं जिनकी अंतरात्मा जगती है कि हम इसे प्रोपेगेट नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे, एक तो वो कैटेगरी आ गई, ठीक है। फिर जो दूसरे हैं जो मुल्ला मौलवी है, अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे मॉरेलिटी पता नहीं है, उससे भी पता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो किसी हिंदू की, किसी बौद्ध की, किसी सिख की केवल इसलिए हत्या कर देना या उसे केवल इसलिए घृणा करना या उसकी महिला को माले गनीमत मानना केवल इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, तो ये तो किसी भी सभ्य समाज के किसी भी मानदंड पे खरा नहीं उतरे, बिल्कुल। तो मुल्ला मौलवी क्योंकि उसे प्रोपेगेट करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कि कोई एक रोग है वो फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, तो उसे जैसे मलेरिया है उसे मच्छर फैलाने वाला है जी, तो एक डिजीज है, एक उसका कैरियर है। तो आप जो मुल्ला मौलवी है उसे एक तरह से उसका कैरियर समझ सकते हैं कि वो एक आइडियोलॉजी को कैरी कर रहा है, उसे बीमारी मानना नहीं मानना उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वो कैरी तो उसे कर रहा है, बिल्कुल। तो इसलिए हम किसी को भी फ्री पास नहीं दे सकते, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब तीसरा इसमें पोर्शन उठता है कि फिर वो लोग जो मुल्ला मौलवी को तो गाली देते हैं लेकिन इस्लाम को फ्री पास दे देते हैं, एग्जैक्टली, तो उनसे कैसे डील करें। और बहुत बहुत पॉपुलर हैं, लोगों ने बड़े बहुत चाहते हैं, बहुत लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं और हिंदुत्व का समर्थन करने वाले वो बड़ी संख्या में हैं। अब इसमें एक बोलते हैं कैच 22, दुविधा आ जाती है कि ये लोग जेन्युइन हैं या नहीं है, है ना। तो इसमें दो पक्ष आएंगे, पहला तो अगर हम उनके पक्ष से देखते हैं तो एक महिला के लिए इस्लाम को गाली देना, मोहम्मद को क्रिटिसाइज करना और फिर पब्लिक लाइफ में रहना, वो बहुत सरल नहीं है, और वो भी हमारे जैसे देश में जहाँ पर के नेता बिल्कुल स्पाइनलेस हैं, रीढ़ विहीन हैं, जो अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा का एग्जांपल आपको याद आ रहा होगा कि अपनी ही पार्टी ने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, और अब तक भी वैसा ही है, अभी तक वैसा ही है। तो इसमें मैं उन्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि वो बिल्कुल सामने खुला आकर बोल दे, जैसे अयान हिरसी अली बोलती है या वफा सुल्तान बोलती है, तो वैसा हर कोई नहीं बोल पाता, तो उनकी क्या बोलेंगे, ह्यूमन वीकनेस बोल सकते हैं कि वो सच का साथ देना तो चाहते हैं, उन्हें भी दिख रहा है कि इस्लाम के कारण समाज खतरे में है, देश खतरे में है, नफरत फैलाता है, लेकिन शायद वो बोल नहीं पाते। तो एक तो ये संभावना है, ठीक है। दूसरा होता है जिसे हम अलतकैया कहते हैं कि अपने आप को अच्छा भी दिखा लेना है, वो कि दोनों हाथ में लड्डू है कि मैं ना तो इस्लाम छोड़ रही हूँ, ना मोहम्मद को बुरा बोल रही हूँ और मुल्ला मौलवी को गाली भी दे रही हूँ, तो ये भी एक संभावना होती है। अब इसमें हम इनकार किसी से भी नहीं कर सकते, ठीक है, है ना। और चौथा पक्ष आता है कि अब उनकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि सारे बहुत पॉपुलर हैं, बिल्कुल, तो जब आप किसी पॉपुलर व्यक्ति को देखते हैं आप उनका अनुसरण करते हैं, उनसे चीजें आत्मसात करते हैं, यहाँ पे हिंदू समाज के लिए समस्या आती है। जो मुस्लिम समाज है वो मौलवी के ग्रिप में पूरी तरह से आया होता है,
उसे मौलवी बता देता है कि ये झूठ बोल रही है, वो उनका करेक्टर असैसिनेशन कर देता है अपनी अपनी भीड़ के सामने। तो मुसलमान बाय एंड लार्ज उस झांसे में, उस धोखे झांसा नहीं, उनके सच्चाई में नहीं आते कि इस्लाम में बुराइयां हैं। लेकिन आम हिंदू, क्योंकि वो तो अपने ग्रंथ भी नहीं जानता और इस्लाम को तो जानना ही क्या है, वो उस भ्रम में आ जाता है कि हाँ इसका मतलब यार इस्लाम अच्छा होगा, ये कुछ मुल्ला मौलवी जो उसे मिसरिप्रेजेंट करके बताते हैं। तो इसके अलग अलग पक्ष हैं और मुझे लगता है इसमें जो अल्टीमेटली विक्टिम बनता है, कैजुअलिटी बनता है, वो आम हिंदू बनता है। एग्जैक्टली ये बात, बिकॉज मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए भी पूछा बिकॉज आपसे कुछ समय पहले आपने अंबर जैदी पर एक वीडियो बनाया था, वो भी इसी कैटेगरी में ही आती है, और उनके साथ में जब आपकी गुफ्तगु भी हुई तब ये पॉइंट भी आया कि भाई हमारी लिमिट, बिकॉज वो लोग खुद कह रहे हाँ कि हमारी लिमिटेशंस हैं, उनकी लिमिटेड, मैंने इसलिए कहा ना कि उनकी भी लिमिटेशन है। कई लोग बहुत जेन्युइन होंगे, लेकिन अब जैसे अयान हिर्ज़ी अली अमेरिका में रह रही है, अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर बाय एंड लार्ज अच्छा है, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य से 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने देश में लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को नहीं बचा सकते गुंडों के हाथ से। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो तस्लीमा नसरीन का देखें, सिंपल, जो इतनी वीरता से बांग्लादेश में लड़के निकलती है और यहाँ के इतने टुच्चे, इतने क्षुद्र पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने उसे छिपके रहने पर विवश कर दिया। तो ये उन नेताओं की, उन टुच्चे नेताओं की तो जीत है, लेकिन हमारे पूरे तंत्र की, पूरे संविधान की और हमारे नेताओं की बहुत बड़ी हार है। नीरज जी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं लगता है जिस तरह से हम देखें कि वसीम रिजवी का केस हुआ था कि 26 आयते जो है सुप्रीम कोर्ट में वो गया कि इन्हें हटाना चाहिए, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है, देन आफ्टर वो सपोर्ट नहीं मिलना, ऐसा जो उन्होंने ये चीजें करी, महेंद्र पाल आर्य का नाम आपने लिया, तो इन लोगों को ये कहीं लगता हो कि हमें इसी अवस्था में इतनी पॉपुलरिटी मिल रही है, इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो कहीं हम चेंज कर रहे हैं, अगर हम घर वापसी कर रहे हैं, बिकॉज प्रश्न ये भी आता है कि आप इनसे ये भी पूछिए कि ये घर वापसी कब करने वाले हैं, कब करेंगे, तो क्यों नहीं करते हैं, डेलिबरेटली नहीं करते हैं कि मजा इसी में ही है, तो फिर सजा कौन भुगते हैं? जी देखिए, आपने वसीम रिजवी का एग्जाम्पल लिया, हम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया आपने कि वो व्यक्ति टाट ठोक के सामने खड़ा होता है, कहता है कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, वो मोहम्मद की वास्तविकता दिखाने के लिए एक पूरी किताब लिखता है कि आप देखो ये इसकी वास्तविकता है। अब होना ये चाहिए था कि हिंदू समाज ऐसे व्यक्ति को हाथों हाथ लेता, खुली बाहों से स्वीकार करता, और जो नेता है सो कॉल्ड हिंदू समाज के नेता, हिंदू हृदय सम्राट जो मर्जी नाम ले लें जी, उनका ये परम कर्तव्य बनता था कि इस व्यक्ति को सम्मान दें, सुरक्षा दें और इसे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। हुआ उसके ठीक विपरीत, उस व्यक्ति को बहुत सारी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी, जेल जाना, उसे क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की। तो वो आपको दिखाता है जो हम जिस बेसिक क्वेश्चन से शुरू हुए कि इसीलिए लोग सनातनी मुस्लिम या इस तरह की टर्म्स घड़ लेते हैं जो कि सच्ची तो नहीं है, उनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो अपने आप अपनी स्किन को वो बचा लेते हैं। मैंने वीर सावरकर से इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, उनका दर्शन कहता है, जो वो कहते हैं कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, बिकॉज क्रिश्चियंस की आस्था जो है वो वेटिकन में है, रोम में है, और मुस्लिम्स की आस्था वो मक्का मदीना में है, तो उनकी आस्था भारत के प्रति नहीं हो सकती किसी भी तौर पे। तो ये भी हम मान सकते हैं कि ये जितने भी लोग हैं जो सो कॉल्ड बिग फॉलोअर्स लाइक जिन्हें हम सनातनी मुस्लिम्स के, हालांकि अब ये चीज तो अलग है और ये सिर्फ माना नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने आप को ऐसा कन्विक्ट करते हैं, तो ये माने कि वो जो अल तक आपने यूज किया कि उनकी आस्था पर्टिकुलरली भारत के साथ में तब तक शुद्ध नहीं कही जा सकती जब तक वो घर वापसी नहीं कर लेते हैं, या फिर उन्हें भी डर है कि कहीं उनका भी हाल वसीम रिजवी जैसा ना हो जाए। ये डर तो नहीं होगा ही कि उनका हाल वसीम रिजवी जैसा ना हो जाए, या नुपुर शर्मा जैसा ना हो जाए, या तस्लीमा नसरीन जैसा ना हो जाए, ये तो उन्हें डर होगा ही। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आप कन्वर्ट हो सकते हैं, आप घर वापसी कर सकते हैं। एक पॉइंट ये आता है, दूसरा ये आता है कि आपको लगता है कि मैं क्योंकि इन्फ्लुएंशियल हूं, मैं लोगों को अपनी तरफ कन्विंस करके एक क्रिटिकल मास को एक साथ लाना चाहता हूं या चाहती हूं, हालांकि वो बड़ा फार फेच्ड है कि इतना कोई प्लान करके करता हो, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ऐसा अगर उनके मन में विचार है तो वो वही बता पाएंगे, इसमें मैं कमेंट्री कर पाऊंगा। नीरज जी, इसके कारण से हिंदू समाज में तो कंफ्यूजन पैदा होता है ना, हिंदू समाज तो देखिए
पिछले 100 वर्षों से हिंदू समाज को तो बिल्कुल भटका दिया गया, विनष्ट कर दिया गया उसे, तो कि वो ना तो हिंदू धर्म को जानता है, ना इस्लाम को जानता है, ना क्रिश्चियनिटी को जानता है। और दो चार खोखले से वो जुमले हैं, ऑल रिलीजन्स आर सेम, सर्वधर्म संभाव, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह के जो 8-10 जुमले हैं वो उन्हीं तक, उन्हीं खोखले जुमलों तक टिका हुआ है। उससे गहराई में 99% हिंदू नहीं जाते, और उनके भटके रहने के कारण ही नेताओं को भी लगता है कि हम क्यों इनका पक्ष लें। और पूरे का पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि हिंदुओं को कंफ्यूज रखा जाता है। ठीक है, 3-4 बार आपसे जब इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे नीरज जी से, तो नीरज जी ने कई बार कहा कि समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। तो मैं बस थोड़ा सा इस पॉइंट को आपको लेना चाहूंगा कि समय किसके लिए कम बचा है, कितना बचा है, और उस बचे हुए समय में हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज ये भी बड़ा आता है कि ना, जैसे जब माया सभ्यता की बात आती थी कि 2012 में दुनिया नष्ट हो जाएगी, 2030 में नष्ट हो जाएगी, तो भी खाओ पियो मौज करो मितवा, तो क्या समय कम बचा है, लेकिन बचा है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कैसे करेंगे जी? वे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपने। हाँ जी, देखिए जब मैं कह रहा हूं कि समय कम बचा है, तो आज से 20 साल पहले ना मुझे इस्लाम का पता था, ना क्रिश्चियनिटी का पता था, ना आपको पता, बिल्कुल नहीं पता। हम साइलेंटली ये सभ्यता समाप्त होती जा रही थी, मरती जा रही थी। कश्मीर से हिंदू निकाल दिए गए, किसी ने कुछ नहीं किया, तो एक टुकड़ा हिंदू विहीन हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ऑलरेडी जा चुके थे, केरल होता जा रहा था, वेस्ट बंगाल होता जा रहा था, किसी को पता नहीं था। उसके बाद इंटरनेट प्लस सोशल मीडिया आता है, तो हमें आंख खुली कि ऐसा कुछ हो रहा है और हमें इससे लड़ने की आवश्यकता है। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि सोशल मीडिया पे लोगों ने इन दोनों मजहबों की सच्चाई बतानी शुरू की कि कितना बड़ा खतरा है। और संसार भर की जितनी अच्छी सभ्यताएं थी, पुरानी आप सभ्यताएं याद कर लीजिए, माया आपने नाम लिया, इंका, एजटेक, रोमन, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उन सबको किसने नष्ट किया? या तो इस्लाम ने या क्रिश्चियनिटी ने। हम उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है, हम ही बच गए, हमें समाप्त करना, और वो कर रहे थे। अब जब हमारी आंख खुली तो हमें लगा कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनसे लड़ सके, तो नरेंद्र मोदी एक आशा की किरण की तरह दिखे, और समाज ने उन्हें चुन के मेजॉरिटी दे दी। ठीक, और अपेक्षा ये थी कि वो धर्म को बचाने का कोई काम करेंगे। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे, जो शॉकिंग था, लेकिन फिर भी एक अंदर ना एक वो मास्टर स्ट्रोक वाली बात थी कि यार हो सकता है कि कुछ चल रहा हो, पक रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो ऐसी बातें कहनी तो पड़ेंगी, लेकिन धर्म को बचाना उनका दायित्व है, वो अवश्य करेंगे। और इसी भ्रम में 2019 आया, तो और ज्यादा प्रचंड उन्हें बहुमत मिल गया, फिर और अपेक्षा बढ़ गई कि अब करेंगे। लेकिन 10 वर्षों का हमारा अनुभव यह बताता है कि उन्होंने जो अपेक्षा थी उससे ठीक विपरीत काम किया है। अभी तक हिंदू हित का कोई काम 10 वर्षों में उन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया उसे हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम आते हैं अपने टाइम फैक्टर के ऊपर। एग्जैक्टली, मुझे मैं जब चंडीगढ़ में रहता था, वहां पर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे जो इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट पर थे, राम ओहरी। उन्होंने 2011 में मुझे बताया था, तब तक वो रिटायर हो चुके थे, सीनियर आईपीएस थे और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रह चुके थे वो जी। तो उन्होंने बताया था कि मुसलमानों ने डिसाइड कर रखा है कि 2047 तक उन्होंने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ओके, जो बात आज हम कर रहे हैं पीएफआई डॉक्यूमेंट के माध्यम से, उन्होंने मुझे आज से 14 वर्ष पहले बता दी थी। जो पीएफआई का बिहार मॉड्यूल के समय आया, तो बहुत कम समय हुआ उसको जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो तो तब से काम कर रहे हैं, और जो हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्हें उनके पास इसकी रिपोर्ट है, ये जानकारी पीएमओ तक भी जाती है और पीएम ऑफिस में पीएम की टेबल पर भी जाती है। ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं जाती। ठीक, तो उन्होंने इस पे काम नहीं किया, और जबकि जो विनाश करना चाहते हैं वो पूरी तन्मयता से अपना काम कर रहे हैं। अब
हमारा तंत्र क्या करता है, उसे एक सिविलाइजेशनल इशू लेने की बजाय उसे एक लॉ एंड ऑर्डर की तरह, प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है। ये तो एक आम क्राइम है, वैसे ट्रीट किया जाता है। तो जब तक आप ऐसा करेंगे उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये 10 वर्ष हमने भ्रम में बिता दिए कि कोई अच्छा काम हो रहा होगा, जबकि उससे ठीक उल्टा हुआ। जैसे मोदी जी का एक क्लेम है कि जहां पहले IAS या IPS जो निकलते थे, अब हमने वो संख्या डबल कर दी है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो व्यक्ति अब वहां जाके बैठा, वो लगभग 30 वर्ष तक रहने वाला है, और वो तंत्र के अंदर बैठा बैठा उसे कितना सबवर्ट कर देगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक बात। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समय या तो बहुत कम है, और आपने कहा बहुत कम कितना, तो मेरा मानना है कि 2029 से पहले पहले ये निर्णय हो जाएगा कि हमारी सभ्यता किस दिशा में जाने वाली। डरा रहे नीरज जी, दर्शक जो है छोटे बच्चे होंगे लोगों के, हमारे खुद के भी, 5 साल केवल और केवल कैसे करेंगे। ये डराने की बात नहीं, वास्तु स्थिति है ये, और मेरे भी तो बच्चे हैं। हमें उन बच्चों का चेहरा देखकर ही तो चिंता करनी चाहिए। रोड मैप क्या करें? देखिए, रोड मैप, मैं और आप बहुत छोटे लोग हैं। एग्जैक्टली। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ का देश है, सारा सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, होगा पॉलिटिकल पावर से, वो उन्होंने नहीं किया। और ये ठीक वैसे जैसे गांधी ने हमारे देश को भ्रम में रखा और बंटवारा करवा दिया। अब आज एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो गांधी की वास्तविकता जान चुका है और उससे घृणा की जाती है, उसके नाम पे थूका जाता है। तो जो नेता ये मौका खो चुके हैं, आज से 15-20 साल बाद, 30 साल बाद, जब जो जिहादी हैं वो उनके घरों में घुस रहे होंगे, उन पे अत्याचार कर रहे होंगे, तो वो थूकेंगे उन सबके नाम पर। और हमें अपनी भावी पीढ़ी को बचाना है, बचाना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम आज भी सच्चाई नहीं बोलेंगे, और सच डराने वाला है तो डरना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि डर बुरी चीज तो ही, लेकिन एक अच्छी चीज भी है कि वो आपको पहले से आगाह करता है कि कुछ कर लो, अभी समय बचा है तो शायद बच जाओगे, नहीं तो कटने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे कश्मीर में हुआ। तो वो अपेक्षा हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसलिए बताना आवश्यक। हमने शत्रुबोध को, बिकॉज मुझे लगता है कि आपने, हमने और बहुत सारे और लोगों ने शत्रुबोध की बात करनी शुरू की है, तो शायद आम जनता में तो शत्रुबोध समझ में आता है काफी हद तक, लेकिन ठीक है, यानी मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें आज हमारी डिस्कस हुई हैं, और उसमें करंट अफेयर्स, इस्लाम और इस्लाम का चोगा पहन करके जो लोग काम कर रहे हैं, अल तकिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, आपके साथ में कौन खड़ा हो सकता है, आपको किन के साथ में खड़ा होना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, एक्सेलरेट अपनी स्पीड को किस तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आपकी कुछ पॉइंट्स हो तो हमें जरूर कमेंट्स के माध्यम से लिखिएगा, अपने क्वेश्चंस लिखिएगा। आई होप कि आगे आने वाले वीडियोस में हम उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपका योगदान हम तक पहुंचेगा, ये और अच्छी बात होगी, बड़ी बात होगी। और थैंक्स नीरज जी, आपने समय हमें दिया और हमारे दर्शकों तक इतनी बातों को पहुंचाया, बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम।